हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ जो अपनी इलेक्ट्रिकल की बस बार होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की ही क्यों होती है, वो हमेशा फ्लैट शेप की ही क्यों होती है। फ्रेंड्स, आपने कभी भी कोई भी सब स्टेशन के इंडोर सब स्टेशन देखा होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा जो बस बार होती हैं वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, फ्लैट शेप की होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ ऐसा क्यों होता है और क्या कारण होता है कि रेक्टेंगुलर शेप की ही होती है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए जिससे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड कई सारे वीडियोज मैं बना चुका हूँ, उसको जरूर विजिट करना। प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैंने उसमें अपलोड करके रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, चलता हूं मैं सीधे अपने टॉपिक को की तरफ कि बस बार हमेशा रेक्टेंगुलर शेप की ही क्यों होती है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं तो यहां पर आप देखिए बस बार, देखिए फ्लैट है, रेक्टेंगुलर है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछ लिया था कि ये सर ये हमेशा इसी तरीके की क्यों होती है, क्या अपन सर्कुलर नहीं बना सकते हैं, क्या अपन टेबुलर नहीं बना सकते हैं, या फिर अपन कोई वायर कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए अब इस वाली फोटो में आप लोग देख लिए, देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए कितने टाइप की है, देखिए रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, टेबुलर है, ठीक है, राउंड शेप की भी है, कई सारे टाइप की। देखिए ये सारे इन सारे टाइप हैं बस बार के, देखिए इतनी टाइप की ये बस बार होती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, रेक्टेंगुलर शेप की ही अपन क्यों यूज करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए जो अपना इंडोर सब स्टेशन होता है उसमें भी जितने भी इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूं, अगर आपने कभी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर वगैरह या फिर आपने एसीबी वगैरह, ठीक है, उसका पीछे वाला पार्ट अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर जो अपनी बस बार आती हैं, ठीक है, वो नट बोल्ट से टाइट होती हैं। ठीक है, जैसे इस फोटो में देखिए आप, ये बस बार है, ठीक है, इस पे देखिए नट बोल्ट से अगर टाइट होती हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप की है, ठीक है, तो ये कितने बढ़िया तरीके से टाइट है। ठीक है, अब आप ये बताइए कि अगर मैं यहाँ पर अगर सर्कुलर टाइप की अगर बस बार लगा दूंगा, यानी कोई गोल टाइप का अगर वायर अगर कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, ठीक, तो बताइए नट बोल्ट कैसे टाइट होगा। अगर क्लैंप भी अगर लगा देंगे अपन तो वो ढीला हो जाएगा, ठीक है, और ढीला हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी, वोल्टेज फ्लैक्चुएट वगैरह होगा, स्पार्किंग भी हो सकती है, हो सकता है कि वहाँ पर आग भी लग जाए। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि रेक्टेंगुलर शेप की बस बार अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या बस बार कनेक्ट करते हैं वहाँ पर, तो फ्रेंड्स प्रॉपर तरीके से अपन अच्छे से टाइट करके कर पाते हैं, चाहे पैरलर कनेक्शन हो गया चाहे सीरीज कनेक्शन हो गया। ठीक है, बस बार आपने कई बार देखी होगी हमेशा रेक्टेंगुलर होती है। फ्रेंड्स, यही कारण है कि वो रेक्टेंगुलर शेप की होती है, क्योंकि प्रॉपर अपन कनेक्शन कर सकते हैं, बिल्कुल टाइट कनेक्शन कर सकते हैं, इससे क्या होता है कभी भी, ठीक है, वो ढीली नहीं होती है। अब फ्रेंड्स, आपने देखा भी होगा कई जगह, देखिए यहां पर देखिए ये क्लैंप है, ठीक है, क्लैंप भी अगर वायर अगर जैसे कंडक्टर आपने केबल देखी होगी, ठीक है, केबल को अगर अपन वीसीबी वगैरह में कनेक्ट करते हैं या फिर अपन एसीबी वगैरह में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पीछे से, तो उस पर देखिए एक क्लैंप लगाया जाता है। क्लैंप क्यों लगा रहा है, देखिए ये भी रेक्टेंगुलर शेप का है जिसमें नट बोल्ट अच्छे से टाइट हो सके। इसमें क्या है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये गोल होता है, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, नट अंदर फिक्स कर देते हैं, उसके बाद से बोल्ट से उसको टाइट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि कनेक्शन हमेशा प्रॉपर टाइट होता है, कभी भी स्पार्किंग वगैरह नहीं होती है। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आप लोगों से बता देता हूं, अपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में एक आजकल बहुत बढ़िया कैमरा यूज होने लगा है, उस कैमरे को बोलते हैं इंफ्रारेड कैमरा। वो कैमरा क्यों यूज होता है, ठीक है, और उस कैमरे से क्या होता है, तो फ्रेंड्स उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, उस वीडियो को जरूर देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वो वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा ऐसा वीडियो, तो जरूर वॉच करना। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक है,
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड वो वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर वॉच करना, काफी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट मैंने वो बना के रखी है। तो फ्रेंड्स अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो बस बार होती है वो रेक्टेंगुलर शेप की ही क्यों होती है और फ्लैट शेप की ही क्यों होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो से अगर आपको नॉलेज मिला हो और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी ट्रू और करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। और फ्रेंड्स अभी भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स स्क्रीन पर जो आइकन दिख रहा है ना, इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट दिख रही है, काफी इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट है ये, जरूर चेकआउट करना, काफी नॉलेज आपको मिलेगा अगर आपने इस प्लेलिस्ट को वॉच कर लिया। तो फ्रेंड्स तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।